योगी आदित्यनाथ ने अगर लाल टोपी को कहा, जो भगवान बजरंगबली और संघर्ष की निशानी है, इस शरीर में जो रक्त बहता है वो लाल है, सच्चा कलर, कहीं पीला उला नहीं होता। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जोरदार जुबानी जंग देखने को मिलने लगा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, ये लोग समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के शासन की बदहाली याद दिला रहे हैं। बेरोजगारी का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, सीएम योगी ने आज तो यहाँ तक कहा कि इनकी लाल टोपी काले कारनामों की पहचान है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद यूपी में बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन का है कि अब 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी घबराई हुई है। इसलिए सीएम योगी कभी बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान जारी करते हैं, तो कभी यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए जाते हैं, तो कभी जिन्ना वाली सियासत की शुरुआत हो जाती है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव के साथ बीजेपी प्रवक्ता और एंकर के बीच हो गई जोरदार बहस। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा भाई, जवाब तो बनता है। आज उन्होंने जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाए, लाल टोपी और वो कहा ना कि काले कारनामे, क्या कहा, काले कारनामे। जो मुख्यमंत्री 7.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों के काले कारनामे ना खोल पाया हो, वो असफल मुख्यमंत्री होता। एक बात उन्होंने जो बात कही है, जो डायलॉग बोला है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रजेश जी जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, किससे कैसे, देश के आंतरिक हालात गड़बड़ है या वाय सुरक्षा से प्रॉब्लम है? अगर वाय सुरक्षा से प्रॉब्लम है, मैं इसको कनेक्ट बांग्लादेश से करूं, तो वो निशाना सीधे और सीधे मोदी जी पे है, क्योंकि मोदी जी ने देश की वाय जो सुरक्षा है। आपको भला बुरा कह रहे हैं, आप बार बार दिल्ली के झगड़े बता रहे हो। मैं कहता हूं ना, कभी कभी आपका झगड़ा है बता रहे हैं। सुन लीजिए, वो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, उनके अंदर डायरेक्ट हिम्मत नहीं कि तान दे। मतलब आपके खिलाफ बोलना, क्या दिल्ली के खिलाफ बोलना होता है? बिल्कुल 100%। क्यों, वो लड़ रहे हैं इसका दोस्ती है इसका मतलब? एक मिनट, बांग्लादेश से हमारा आपकी दोस्ती है दिल्ली से? ना ना, हमारी कोई दोस्ती नहीं। तो फिर हमने तो उनको पटका है और दे धड़ाम से पटका है, और उनको मालूम भी हो गया कि उत्तर प्रदेश में किसने उनको रहा है। मैं ये पूछ रहा भाई, खुला जवाब आना चाहिए जब वो कहते हैं लाल टोपी नवाब ब्रांड, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? नवाब ब्रांड को बचाने के लिए सबसे पहले बीजेपी का जिला अध्यक्ष वीरपाल सिंह भदौरिया गया था थाने में। अब ये मत कह देना वो सपा का है, कौन गया था बचाने, बताओ ना। अगर नहीं, अगर इनपुट है नहीं, अलाउ रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास है, तो काहे के मुख्यमंत्री, आप करो ना मठाधीशी, मठ पे बैठो, मानते रहो, सबसे बेहतर है। मुख्यमंत्री के पास सटीक रिपोर्ट होनी चाहिए ब्रजेश जी, और जो नहीं है, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी से बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं, तो हम पे काहे का अटैक। एक बात, अगर चुनाव के नाते बयान दे रहे हैं, लाल टोपी काला कारनामा ना, लाल टोपी पे क्या करेंगे, उसको छूने लायक नहीं है वो, नहीं है छूने लायक। पहन तो रखी आपने। अरे मेरी तो, मेरे तो सम्मान किए हमारे आदरणीय और समाजवादी नेता, वो कह रहे थे काला, क्या कह रहे थे, अभी कह भी रहे थे, देखिए सुनिए क्या कहा था वाजपेयी जी, काला। मैं एक लाइन कह दूं तो समझ जाए, जो रंग वो पहनते हैं, पता है, मैं शब्द ये बहुत खुल के कह रहा हूँ, जो रंग का वो चोला पहनते हैं ना, वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो आपको वो बड़ा काला नजर आएगा, वहशीपन, दरिंदगी नजर आएगी। जो आतंकवादी लोग हैं, आपको ये दिखता है वहशीपन ना दिखता है, जो आतंकवादी लोग हैं उस कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो जो पहनते हैं उसकी बात, हमारे लाल टोपी पे अगर इस तरह की बात कही जाएगी तो ब्रजेश जी मैं थोड़ा नेचर का दूसरे टाइप का व्यक्ति हूं, बड़ा ऑब्जेक्शनेबल नहीं ले, जो पहनते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और भगवा पेटेंट उन्हीं का थोड़ी नहीं है, मैं कलर पे आओगे तो आपत्तिजनक कमेंट। अरे सुनिए, अब दूसरी, योगी आदित्यनाथ ने अगर लाल टोपी को कहा, जो भगवान बजरंगबली और संघर्ष की निशानी है, इस शरीर में जो रक्त बहता है वो लाल है, सच्चा कलर, कहीं पीला उला नहीं होता। मैं दूंगा समय, हम आपको बहुत ध्यान दूंगा, आपको समय दूंगा। मिश्रा जी, हनुमान जी का कलर थोड़ा सा लाल है, ठीक है, डिबेट सही दिशा में जाए, सब हम बताइएगा। मैं ये कहना आपको देंगे समय, मैं ये कहना, सबसे पहले कहा गया अमरनाथ जी की तरफ से कि कांवड़ यात्रा रोक दी गई और अयोध्या की परिक्रमा रोक दी गई। कब रोक दी गई भाई, हमने कब रोक दी, ये तो जबरदस्ती आप लोग इस तरह। अरे अखिलेश ने रुकवाया, रुक जाओ, चलो, अरे अखिलेश यादव ने रुकवाया, रुक जाइए, अरे फर्जी बातें कर रहे हो, अखिलेश यादव ने, अरे रुक जाओ भाई, रुकवाया, मंदिर तोड़वाया, हमने कहा कभी
कितना मंदिर तोड़वा दिया पूरा देश, आप लोगों ने मस्जिद बनवा दी, राम का मंदिर तोड़ के आप लोगों ने मस्जिद बनवा दी, फर्जी बात कर रहे हैं, पूरे देश में फर्जी बात कर रहे हैं, औरंगजेब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया, आप उनके साथ है, आपको नहीं पता क्या हमास और हिजबुल्लाह के साथ है, आप पाकिस्तान के साथ है, आप आतंकवादियों के साथ है, हल्की बात, लाल टोपी जो है खतरों का निशान है देश की अखंडता के लिए, लाल टोपी खतरों का निशान है, ये सांप्रदायिकता का निशान है, रहने से पहले गुंडागर्दी का निशान है, ये माफिया राज का निशान है, लाल टोपी माफिया राज का निशान है, गुंडागर्दी का निशान है, दारोबान का निशान है, भ्रष्टाचार का निशान है, से प्यार करते हो, अरे आप लोगों ने तो आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों से प्यार किया, अच्छा आप मुद्दे पे आ रहे हो, हम लोगों ने किस मुद्दे पे आ रहे हो, जी बात कर रहे हो, फर्जी बात कर रहे हो, अखिलेश यादव का समय आप क्या हो गया, आप डीजे रुकवाया गया, हमें रुकवाया गया पश्चिम उत्तर प्रदेश, फर्जी बातें कर रहे हो, सब झूठ बोल रहे हो, मतलब लाल टोपी वाले झूठे मक्कार गुंडे आतंकवादी पार्टी, मिश्रा जी हो गया, बिल्कुल सही कहा, हो गया आतंकवादी है, समाजवादिया के लोग है, आईएसआई के लोग है, ये पाकिस्तान के लोग है, आईएसआई के लोग, मालूम है मैं कि जो अडानी आराम से हमें ना बताइए, आपने कहा कि हम लोग मतलब बांटने वाले पीडीए के लोग, बिल्कुल पीडीए के बिल्कुल बांटा आदित्यनाथ है, बिल्कुल बांटा मंत्री नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने बांटा कोई है मुसलमान यादव को किया है, सबको बांटा 5% आप लोगों ने किया है, आरएसएस की भी चार बार वाले पांच की राजनीति समाजवादी पार्टी का है, उससे भी ज्यादा नहीं है की राजनीति, धन्यवाद धन्यवाद, पीडीए को गाली दोगे भैया, इसीलिए धन्यवाद मनोज जी, बांटना चाहते सच बात ये बताओ, ये तीसरे बना इसलिए धन्यवाद मिश्रा जी की, आप माइक बंद कर दूंगा, आप शांत हो जाओ, ये आप टी शर्ट क्यों पहनने लगे, क्या पहने बताइए आप, आप ड्रेस कोड डिसाइड कर दीजिए, नहीं ये क्यों आपने अपना बदल लिया, क्या राहुल गांधी से कोई प्रेरणा ली है, नहीं सर राहुल गांधी देश के नेता तो हैं, तो आपने अपना एड्रेस क्यों बदल लिया, नहीं नहीं सर बात पूरी हो रही बदलने की, मसला ये है कि टी शर्ट पहनना अगर गुनाह है तो बताइए, नहीं मतलब आप क्यों पहन रहे हो, ये थोड़ा सा अचरज की बात है, क्योंकि मैं 8-10 डिबेट में देख चुका हूँ, पहले तो आप कुर्ता और सदरी उदरी टाइट पहन के आते थे, अब इन दिनों आपको मैं देख रहा हूँ टी शर्ट पे आ गए हो, कोई बात है, किसी से प्रेरित हो, नहीं नहीं सर व्यक्ति की पहचान व्यक्तित्व से होती है, चेहरे से होती है, सोच से होती है, जबान से होती है, कपड़ों से नहीं होती है सर, अरे अभी तो देख रहे हो पैसा कैसा चल रहा है, होने दीजिए सर, देखिए बात फैक्ट्स की होना चाहिए, चैनल्स के ऊपर जब हम लोग बैठे हैं कमरे में बैठकर कुछ भी अनाप शनाप उल जुल बोलने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम चैनल्स पे बैठे हैं तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उन तक फैक्ट्स पहुंचना चाहिए, फैक्ट क्या है, फैक्ट सर बहुत बीजेपी का क्या है, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स हैं, अभी देखिए अभी इस चैनल में डिबेट पर एक बात आई कि 8 लाख विस्थापित हो गए कश्मीर में पंडित, मैं कह रहा हूं अगर एक भी विस्थापित हो गया तो वो हमारे देश पर कलंक है, ऐसा सरकार पे कलंक है, कश्मीर के लोगों पे कलंक है, अगर एक भी विस्थापित हुआ डर से, एक नहीं 8 लाख हुए, सुनिए सर अभी भी दिल्ली के कैंपों में, और उस समय भी सरकार कांग्रेस की और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तब भगाए गए वहां से, मुलायम सिंह ने भगाया, एक बिल्कुल रक्षा मंत्री थे, इन्होंने खाली करवाया, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 11वां चल रहा है सर, उस विस्थापित जो लोग थे पंडित उनके लिए क्या किया गया, उनको रिहेबिलिटेट क्यों नहीं किया गया, उनको क्या वापस कश्मीर नहीं बसाना चाहिए, कांग्रेस की सरकारें मैं मानता हूं सब खराब थी, मुलायम सिंह रक्षा मंत्री खराब थे, देवगौड़ा खराब थे, गुजराल खराब थे, सब देश के दुश्मन थे, मोदी जी तो देश के दोस्त हो रहा है, अब सारे कश्मीरी पंडित बताइए मुझे 10 साल में पीओके भी ब्रजेशी 10 साल में पीओके नहीं, ये अभी यहाँ की बात कर रहे हैं, जो सर पीओके चला गया था इनको कंप्लीट कर, आपको कंप्लीट कर, और कश्मीरी पंडित थोड़ा सा कोऑपरेट करें, आप समझिएगा 10 साल में मुझे बताइए कि 10 ब्राह्मणों को भी कश्मीरी ब्राह्मणों को अगर रिहेबिलिटेट कश्मीर में किया गया हो तो मैं मुंह मुड़ा लूंगा, बताइए कहां है, बताइए मुझे 10 नाम दीजिए जिनको रिहेबिलिटेट किया गया वापस से कश्मीर भेजा गया, और सुन लीजिए बना दीजिए प्रधानमंत्री, मुझे बना दीजिए, ओके तंजीद अहमद, 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जितने विस्थापित है वापस रिहेबिलिटेट किए जाएंगे सर, बिल्कुल किए जाएंगे, क्यों किए जाएंगे सर, बनाइए मुझे प्रधानमंत्री, बनाइए अच्छा 3 महीने के अंदर अगर बांग्लादेश पे अटैक करके अपने हिंदू भाइयों को, अरे नहीं सर हम पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करते, अरे सर आईएसआई से जवाब आ जाएगा, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अरे टाइम नहीं बचा सर, अरे सर मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बनाइए मुझे प्रधानमंत्री, अटैक कहीं नहीं, अगर पाकिस्तान को सीधा ना, अरे कैसी बात कर रहे हो, पड़ोसी देश हम अटैक थोड़ी कर रहे हैं, मतलब हम हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, मुझे बनाएंगे बैठ के पाकिस्तान को सीधा कर रहे हैं, ऐसे दिन से ये पाकिस्तान के साथ है, अरे अटैक करने में तो रोकना पड़ा ही नहीं, अरे सर जितने अल्ट्रासाउंड करने में फर्क होता है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीनें एमआरआई सब बंद कर देना चाहिए, इनका देखिए कितना जबरदस्त आंख लगाना चाहिए, एक आंख से बता देते हैं दिल में क्या है,
साथ ही दो तरफा बयानों और जुबानी जंग को देखते हुए अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यूपी में धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, क्या जातियों में बटे वोट को बीजेपी यूपी चुनाव में एक कर पाएगी, और क्या संविधान आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों का आधार बनाकर चल रही इंडिया गठबंधन ओबीसी दलित और आदिवासी वोटों पर अपनी पकड़ बनाकर रखने में कामयाब हो पाएगी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।